दिल्ली शहर 24 घंटे और आज का दिन मैं बिताने वाला हूँ 0 रुपए पे। लिटरली आज मेरे को रोडों पे घूमना है और ना दिन बिताना है यार। मैंने 1,00,000 रुपए खर्चे हैं, 2,00,000 खर्चे हैं, 10,00,000 खर्चे हैं, बट 0 रुपए। आज का दिन होने वाला है चैलेंजिंग, तो लेट्स गो। घर से मैं निकल तो गया था खाली हाथ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ खाने को या पीने को मिलेगा भी या नहीं। बट घर से थोड़ी दूर निकलते ही मुझे दिखा एक जूस वाला। क्या हाल चाल, जूस कितने का है? आज मतलब मेरे को ना फ्री में मिल सकता है वो? 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला नहीं मिलेगा भैया? आप जूस पिला दो, पैसे आपको देने पड़ेंगे। बस दे दोगे? पक्का भैया, जो पिलाएंगे भाई वो पिला दे, ऐसा ना बाद में मना करते, मैं तो यही अटक जाऊंगा। छोटा सा पिला दो। नाम क्या भैया? राजेश भैया, थैंक यू सो मच। 20 वाला पिला दे भाई। भैया बड़े खुले दिल के आदमी हो यार आप। फाइनली यस। यार ये तो 20 रुपए में बहुत छोटा है। अरे ये तो लूट रहे भाई 20 रुपए में। अबे मेरे को लगा इतना बड़ा ग्लास होगा, तूने इतना सा पौवा सा दे दिया यार। है स्वाद पर। थैंक यू भैया। भैया दे देंगे तेरे को पैसे, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। ओके तो ये तो हो गई हमारी वेलकम ड्रिंक एंड दिन की शुरुआत अच्छी हुई, फाइनली पेट में कुछ गया। बट भूख बहुत लग रही है। वेलकम ड्रिंक के साथ वेलकम फूड हो जाए, कोई अच्छा मानुस मिल जाए भैया जैसा जो मुझे खाना खिला दे। और ढूंढते हैं, रोडों पे घूमेंगे तभी कोई मिलेगा। जूस तो हमने पी लिया है, बट खाने का इंतजाम अभी भी नहीं हुआ। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक पानी की बॉटल उठा लेते हैं, पूरा दिन काटना है। तो भैया इधर मेरे बात सुनो, ये आपकी दुकान है ना, मेरे पास पैसे नहीं है पर पानी की बोतल चाहिए, ले लूं ऐसे ही? प्यास लगी है, पानी नहीं पिला सकता मेरे दुकान पे आया हूँ, ये पहले बताओ। भाई साहब तुम बहुत ग्रेट हो, एकदम फर्स्ट क्लास। अब एक पानी, ठंडी पानी की बोतल दे दो। क्या बात है यार, भैया आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। गाइस इस वीडियो पे तुम 5,00,000 लाइक दे दो तो हम 1,00,000 जो देते हैं वो वाला चैलेंज इनके साथ करेंगे। पानी की बोतल लेके और अब चलते हैं कुलचा ढूंढने। और खिलाएगा काहे नहीं तो भैया कह रहे मैं मंगवा देता हूँ, मैं ट्राई करने जाता हूँ, मैं भैया को ज्यादा बोझ नहीं देना चाहता। लिटरली इस पॉइंट पे मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतने सारे लोगों में जाके फ्री का खाना मांगना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज तो बेशरम बनना ही पड़ेगा अगर कुछ खाना है। भैया बड़ा रश लगाया हुआ है, डर लग रहा है मेरे को मांग कर। कितने की प्लेट है? 35 रुपए की प्लेट है, रायता लगा के 45 है। पर बाकी जो इतने सारे लोग खड़े हैं, कुलचे के लिए बोल तो दिया और भैया ने हाँ कर दिया। लेट्स सी, रश बहुत लगा हुआ है, पहले वो सब ले ले क्योंकि हम फ्री के ग्राहक हैं, हम वेट कर लेंगे। अगर भैया की कोई हेल्प करनी हो तो भैया जी आपकी कोई मदद करूंगा। नहीं सर, एक दो प्लेट आप कहोगे तो मैं लोगों को सर्व कर दूंगा। 15 मिनट्स लेटर। ओके सो फाइनली वी गॉट अवर फ्री छोले कुलचे, देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। Yum. एक प्लेट छोले कुलचे तो मैंने खा ली थी बट उससे मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने बोला क्यों ना फिर ट्राई करा जाए, एक और छोले कुलचे की प्लेट खाई जाए। अगर दिल्ली में 1 भी रुपया ना हो किसी के पास तो उसको खाना हो तो कहाँ जाए? किसी से मांगेगा। किसी से मांगेगा? और कोई कमाने का जरिया पता है? नौकरी ढूंढने पड़ेगी। आप हेल्प कर सकते हो कोई? मेरे संग लग जाए और क्या है? आपके संग लग के कितना पैसा कमा पाऊंगा? 200-250-300 रुपए। कितनी देर में? 7 से 12 बजे तक। 200-250 दिन में 12 बजे तक। मुझे सीपी पहुंचना है, गुरुद्वारे में तो खाना मिलता है ना? यार अब हमें ना हमारी दिक्कत यह है, हमें पहुंचना है सीपी क्योंकि हमारे को लंच के टाइम लगेगी भूख, और मैं चाहता हूँ कि हमें भूख से पहले हम वहाँ तक पहुँच जाए क्योंकि अब मैं मांगना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं गुरुद्वारे में जाके खाऊँ। तो अब हमें ढूंढनी है फ्री राइड, लेट्स गो। लिटरली मेरे को कोई ऑटो या रिक्शे वाले को कन्विंस करना है कि मुझे सीपी तक ले जाए, या अगर सीपी तक नहीं लेके जाए तो कोई भी गुरुद्वार तक ले जाए जहाँ पर लंगर लगता हो, क्योंकि अब थोड़ी शाम होगी और अब मैं मांगना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लंगर में जाऊँ आराम से बैठ के खा लूँ। तो ये मेरा आइडिया है, लेट्स सी सक्सेसफुल होता है या नहीं। भैया सीपी तक छोड़ दोगे? गुरुद्वारा भैया साहब कितना? 70 रुपये। पैसे नहीं मेरे पास, फ्री में छोड़ना है, छोड़ दोगे? मैं कह रहा हूँ ना आप मेरे को छोड़ दो फ्री में। अच्छा फ्री में कहाँ तक छोड़ दोगे? कहीं तक नहीं जाएंगे सर, ऑटो देखते हैं क्योंकि मेरे को लगता है रिक्शा पे कहीं लंगर लेना बहुत मुश्किल है, तो ढूंढो फिर आज। एक ऑटो और दिख रहा है मेरे को, इधर खड़ा है। आ जाओ, आप क्या है? कनॉट प्लेस तक छोड़ दो। नहीं छोड़ पाओगे भाई साहब?
ऑटो वाले हो गए या कोई हेल्प जो उधर जा रहा हो बंगला साहब या कनाट प्लेस की तरफ जा रहा हो वही छोड़ सकता है। अच्छा 100 रुपए दे दो, नहीं तो ऑटो वाला को मैं दे दूंगा ना, पहुंच जाऊंगा। मतलब अभी तनख्वाह भी नहीं मिली, यहाँ पे सोसाइटी में काम करता हूँ। So sorry. मुझे बड़ा अजीब लगता है किसी से पैसे मांगना। हाँ मुझे पैसा देना बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट नो कोई मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, आज बहुत टफ है भैया। चलोगे कनॉट प्लेस? चलेंगे फ्री में भाई, फ्री में कोई बात नहीं, फ्री में चलेंगे। फ्री में चलोगे? क्या नाम है भैया आपका? संजय कटोरा। भाई संजय भैया बहुत अच्छे हैं, ये हमारे को छोड़ने वाले कनॉट प्लेस फ्री में। भैया हाथ मिलाओ, तुम भगवान रूपी आदमी हो, दिल से बड़ा होना चाहिए इंसान का, तुम बहुत बढ़िया बंदे हो। आ जाओ, लेट्स गो गाइस, वी हैव अ राइड। ओके तो सफर होने वाला लंबा, मैंने पहन लिया अपना चश्मा। दिस वॉज द टफेस्ट टास्क, लाइक लिटरली पीतमपुरा से जाना सीधा कनॉट प्लेस इज लाइक बहुत बड़ा रास्ता। एंड भैया माने इस वीडियो को, भैया के नाम पे सारे गाने लाइक कर दो। अच्छे लोग बहुत है दुनिया में, सच बता रहा हूँ। ये हमको लगता है कि दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं, बट अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा हैं। एंड आई फील सो हैप्पी जब ऐसा लाइक लिविंग ऑन 0 रुपीज करो, एंड मैं अब तक मैं सब खा पा रहा हूँ, ट्रैवल कर पा रहा हूँ। ओके तो फाइनली 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, और अब मैं जाने वाला हूं अंदर और हम देखने वाले हैं यहां पे मिलता है क्या खाने को। एंड इट वाज अ वेरी टायरिंग लाइक डे, अब तक मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूं। 1.5 घंटे मेरे को लगा नहीं था इतना ट्रैफिक हो गया, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। बट लेट्स गो, देखते हैं लंगर में क्या है क्या नहीं। आ जाओ खाएं। आई डोंट नो व्हाई आई लव जब मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और उनका फोटो खिंचवाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सच में। ऐसे लगता है ना कि यार मतलब यू गाइस केयर, और कुमार को कोई डर नहीं है मुझसे मिलने के लिए, तो दैट्स द थिंग आई लव। सारे सब्सक्राइबर्स मिलने में बड़ा अच्छा लगता है। चलो अंदर चले और खाना देखें और मजे करें। और अभी हमें यहाँ पर आके पता चला कि जो लंगर है वो 7 बजे के बाद मिलेगा, अरदास के बाद। तो वी आर गोना वेट थोड़ी देर, उसके बाद हम जाएंगे सीपी घूमते हैं, कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो फिर 7 बजे का इधर आएंगे और खाएंगे। तब तक लेट्स स्पेंड सम टाइम, लेट्स किल सम टाइम, लेट्स। तो आई एम लविंग माई टाइम ओवर हेयर। अगर आप कभी भी सीपी आते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आ जाना चाहिए। आ जाओ भाई, हमारा वेट कर रहे हैं। I have no idea what to do next. मेरा प्लान ये बन रहा है कि मेरे को सीपी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दूर भी है सीपी, ऐसे मतलब ज्यादा दूर नहीं है, पर पैदल चलना है, पैसे है नहीं, नहीं तो फिर एक फ्री ऑटो राइड मांगनी पड़ेगी। बट यार अगर आप सीपी आते हो डेफिनेटली आपको बंगला साहिब जरूर आना चाहिए। इट्स अमेजिंग भाई, बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ का। बाजी सीपी जाना है, कहीं भी सीपी में बीच में छोड़ दो, कहीं सेंटर ब्लॉक तक छोड़ दो, पर पैसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वीरे। अरे आ जाओ भाई, आज पूरे दिन में मेरे को इतने बढ़िया बढ़िया बंदे मिले ना, सीपी का जुगाड़ भी फ्री में हो गया। आ जाओ पेटीएम, पेटीएम जो कह रहे फ्री में हो गया, पर पेटीएम वेटीएम कर देना। ऐसे फ्री में आप क्यों मान गए? क्या फर्क पड़ना यार, एक सवारी छोड़ दी थी फ्री से, की हो गया कुछ नहीं कर पाया। पाजी दिल बढ़िया है बड़ा एकदम, आप भी छोड़ दिया करो फ्री में। भाई सब फ्री में छोड़ने के लिए उत्सुक है। अरे भाई हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं। I am at least with you, you are my brother, no problem. एक पैसा नहीं लेंगे सर, क्या बात कर दी आपने, दिल से बोला है ना। अरे भाई सब मजा आ गया, चलो हमारी सीपी की सवारी का जुगाड़ भी हो गया। yes. आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। कौन कहता है लिविंग ऑन 0 रुपीज इज टफ ब्रो, भाई है ना, कहने पर डिपेंड करता है, कह दे दो मना नहीं करते। अरे यार ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब सच में बहुत ज्यादा अच्छी। आओ सीपी में करेंगे कुछ काम। ओके तो फाइनली वी आर एट सीपी, थैंक यू सो मच भैया, आपका गुड नेम विजेंद्र सिंह, जय हो। एट दिस मोमेंट मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा डर, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, एंड गुरुद्वारे में अभी मुझे खाना नहीं मिला था, तो अब टाइम था कनॉट प्लेस में खाना ढूंढने का, फ्री में फिर से लोगों से खाना मांगने का। ओके तो सीपीएम पहुंच गए थे और हमारा दिन काफी अच्छा जा रहा है, बट लिटरल मेरे को भी नोटिस करा, मैंने मेरे जूते फट गए हैं, एंड भैया जूते कहाँ मिलेंगे? आगे जूते मिलेंगे। एंड मेरे को भूख भी लग रही है, क्योंकि जो हमारा प्लान था इवनिंग में हम लंगर खाएंगे वो आपको पता कैंसिल हो गया, तो वहाँ हम 7 बजे के बाद जाने वाले हैं। तब तक हम देखते कुछ और हमें क्या मिलता है। पानी वाला मेरे को दिख रहा है, वहाँ एक बार जाके ट्राई करते हैं। कितने का शिकंजी? 25 रुपए की। अगर पैसे ना हो तो फ्री पिलाऊंगा। सही में
दिल से तुम इतने अच्छे क्यों? मिला दो फिर एक नींबू पानी फ्री में। ऐसे भी कुछ नहीं, रोड साइड वेंडर्स में बहुत ट्राई कर रहे हैं। अब मैं इतना ट्राई करने वाला हूँ मैकडी या बर्गर किंग में या कहीं सीसीडी जाके, इतने वो हमारे को अलाउ करते नहीं करते। जूते कहाँ मिलेंगे? जूते आगे सर आए। अरे आगे से तो मैं आगे नहीं मिल रहे हैं। ये बेल्ट है कोई फ्री में मिलेगी? हैं? फ्री का ही मिलेगी भाई? मेरी पैंट नीचे ढलक रही है, कोई फ्री की दे दो। आज ना पैसे नहीं हमारे पास, बिना पैसे के वीडियो बना मजे तो ले ही नहीं रहा है। कोई दो बेल्ट फ्री में पूरी नौकरी करते। रिजेक्शन रिजेक्शन पे रिजेक्शन रिजेक्शन। जूतों का ट्राई करता हूँ। क्या कितने के शंकरन जी? 30 रुपए फ्री है? फ्री मिलेगी? हाँ भाई जान फ्री में चला दोगे? सबको यार चला दो भाई, सब बंदे बढ़िया यार। उन्होंने तो बेल्ट दी नहीं यार, उनका दिल छोटा है, आपका दिल बहुत बड़ा। ये नहीं होंगे है? मैंने बोला था फ्री में दे दो, उन्होंने मना कर दिया, आपने हाँ कर दी। आप बंदे बढ़िया भाई ना, खाने की। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, दो चीज़ें मिल रही फ्री में, क्यों नहीं खाएंगे भाई? अम्मी भी बहुत है। फोटो के कितने लेते हो आप, कितना देना चाहते हो? हमारे हाथ में कैमरा है तो भैया ने पूछा एक फोटो के कितना लेते हो आप, बताओ कितना दोगे? एक आइसक्रीम खिला दो इसको। 40 रुपए की आई, खिला दोगे? चलो आओ खिंचवाओ, कहाँ खिंचवानी बता इस कैमरे से? चलो आओ भैया की फोटो खींचेंगे, आओ लेट्स गो। तो हमारे कैमरा मैन फॉर द डे, क्या कहाँ फोटो खींचने वाले हो आप इनकी? भाई कोई इसकी भैया की बढ़िया सी फोटो खींच दे, इससे हमारे को आइसक्रीम खिला दे। भाई बटर स्कॉच खिला दियो, बड़ी मिर्ची लग रही है। डर डर भाई, आज तेरी वजह से 40 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है, थैंक यू। हाँ एक आइसक्रीम भाई, हो जाएगा हमारा काम। भाई का क्या भाई, मेरे को ही मिलेगा सब कुछ आज, इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा लिटरली। ये बेचारा किस्मत का मारा, आज सिर्फ देख रहा मैं क्या क्या खा रहा हूँ। पोज पोज भी मैं सिखाऊँ? पकड़ मैं सिखाता हूँ। एक फोटो बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए। देख भाई पसंद आएगी तभी आइसक्रीम खाएंगे, हम भी फ्री का खाना नहीं चाहते। सैटिस्फाइड है फोटो के साथ? बिल्कुल खुश है। पहले आइसक्रीम खिलाते हैं। मेरे नाक बह रही है कसम से, मैंने इतनी मिर्ची खा ली ना, इसके अंदर थी सारी मिर्ची स्प्राउट्स के अंदर। थैंक यू भैया। लिविंग ऑन 0 rupees फॉर 24 hours इज अ टफ चैलेंज फॉर मी, आई स्वेयर। आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। ओके तो मेरे को पता है मेरा नेक्स्ट टास्क इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि मैं फ्री मूवी टिकट मांगने वाला हूँ। क्या आपको लगता है 0 rupees में कोई मूवी देख पाएगा? आओ ट्राई करते हैं। कौन सी मूवी लगी है अभी बताई तो मूवी होगी सर 715। कोई फ्री में मूवी का टिकट मिल सकती है? मतलब ऐसे नहीं यार, आपको दिखानी है मूवी मेरे को। अच्छा। नहीं होगा भैया, तो बिल्कुल साहिल खान लग रहे हो भैया। एक मूवी दिखा दो, इतना बटर लगा दिया मैंने। चलो यार बनाओ यार, आगे चलते हैं, बेइज्जती होगी, तभी मास्क पहना था। मूवी वाले ने तो हमारे को कर दिया था मुंह पर रिजेक्ट, तो वहाँ तो मुझे एंटरटेनमेंट मिला नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एंटरटेनमेंट करा जाए और अपने कैमरामैन को प्रैंक किया जाए। आईफोन प्रैंक। क्या भाई आईफोन तेरे पास है? फोन दे, उल्लू बना रहा है, फोन दे। चेक कर रहा है यार। उल्लू तभी यार, मैं तेरे को पागल हूं। मेरा है। अबे मेरा भी यही होगा। नहीं है यार, हम कहाँ बैठे थे? मजे ले रहा है भाई। मम्मी यार नहीं ले रहा है मजे। मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। तूने पहले बोल तो प्रैंक करेगा। और मैं रिकॉर्ड कर रहे हो? तेरे को पता नहीं चला भाई? दिमाग सुनो भाई, लगा फ्लैशलाइट हो जाए भाई का दिमाग सुनो यार। मुझे कह रहा था मैं प्रैंक करूंगा। सैड लाइफ ब्रो। काफी थक गया भाई मैं आज लिटरली, सुबह से लेके अब तक हम अराउंड 10-12 बजे निकले थे घर से, एंड लिटरली यहाँ पर अब 8 बज चुके हैं। तो आई हैव नो आइडिया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरा जूता फट गया, मैं जूता चेंज कराना चाहता हूँ। बट मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी लाइक पीपल जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनका दिल इतना साफ है, इतना अच्छा है, वो हर चीज़ देने को तैयार है, कोई चीज़ मना नहीं करते। मतलब जो रिच क्लास हो उधर वहाँ पहुँचो ना, उनके पास हिम्मत नहीं होती। मतलब कुछ शॉट्स हम काटे हैं हमने, हम डाल भी नहीं पाए इस वीडियो में, जस्ट बिकॉज हाँ वो इतनी बदतमीजी करते। आई डोंट लाइक दैट स्टफ। और एक मेरे जूते चेंज हो जाए, यही मेरा लास्ट है ना, ये देखो बिल्कुल ही मेरा चेहरा फट गया। ये मेरा फेवरेट था। आ गए, आ गए, रुमाल आ गए।
भैया पहचान गए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहचाना? आप शर्ट ले गए थे ना और जींस ले गए थे? मैंने तो दिया ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो आप? क्या हाल है? जूते बेच रहे हैं फ्री में? हैं? फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में मिलेगा। चलो पैसे दो, पहले बता रहा हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। जुराब पे जुराब पहना दी भाई का जूता रख लो। स्मार्ट लग रहे भैया, लग रहे हैं भैया 15,000 के जूते। जूते के बदले जूता दे तो दी यार, जूते के बदले जूता टी-शर्ट भी धुलोगे? पुराने के बदले नया पहना दी तुम्हें भाई, पागल है? उसको मैं ठीक करा लूंगा, वो ठीक हो जाएगा। अरे ला भाई मेरा जूता वापस ला यार। बताओ मेरे को जूता, मेरा जूता रखने की बात कर रहा है भाई। ये जूता 15,000 का, जब ये जुड़ेगा 150 रुपए का जूते का उतरेगा तो जूता दे रहा हूँ। नया जूता तो हम ले नहीं पाए तो हमने सोचा फ्री में ही करवा लेते हैं। ओके, तो हमारे को नया जूता तो मिल नहीं पाया था, तो हमारे यही जूता की पेस्टिंग हो गई। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। होटल रेस्टोरेंट दोनों फ्री का खाना मिलेगा? फ्री का कुछ फ्री कुछ मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट ने तो हमें बोल दिया था कि अंदर जाके मैनेजर से पूछो, पर जैसे ही मैनेजर को पता चला हम फ्री का खाना मांगने आए हैं और ऊपर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बस वीडियो तो डिलीट कराई और धक्के मार के हमें निकाला रेस्टोरेंट से बाहर। फिर क्या, हमने सोचा चलो गुरुद्वारे वापसी। I'm done. I just need food and I want to sleep. I'm so tired, so 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 tired. Literally, पूरे दिन से चल के थक के free auto rides मांग के, रिक्शा rides मांग के, भाई मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं जा रहा, बस खाना है और सोना है। Yum, it's truly yum. Literally right now I feel so 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 humbled. ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, लाइक दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर शूज, दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड मतलब हम लोग इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लिटरली। लोग शूज तक लोगों के उनका टेक केयर कर रहे हैं और मतलब हमें खिला रहे हैं, सोने के लिए जगह दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ऐसी जगह है दिल्ली में बंगला साहिब, गाइस एनीवन वांट्स हेल्प आप आ सकते हो यहाँ पर। एंड नाउ अब हम लेने वाले बस अब सोने की तैयारी है, अपना दिन खत्म कर रहे हैं, अपना चैलेंज पूरा कर रहे हैं। 100 रुपए के रूम के बट हम पैसे नहीं खर्चने वाले, बट जो बेसमेंट हॉल है वो फ्री है। हम वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ रह के हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमें रहना है यहीं पर और अभी हमने कंबल के लिए बोला है, एक कंबल मिल जाएगा तो यहीं कंबल बिछाएंगे, यहीं सोएंगे एंड 24 आवर्स अपने कंप्लीट करेंगे। सुबह निकले हुए हम 10 बजे के, अब सुबह 10 बजे ही घर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद करी हमने उन सबको उनकी मदद से डबल ट्रिपल पैसे दिए। सुबह शाम साथ रहूं।